नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। अंबेडकर नगर में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। बता दें कि 13,000 से ज्यादा कर्मचारी 11 तारीख को तैनात रहेंगे और उसके अलावा ईवीएम का प्रयोग चुनाव में नहीं होगा। मतपेटियों से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मतगणना कर्मियों से लगातार परीक्षण कराकर उनका निरीक्षण कर लगातार रिहर्सल करा रहे हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रही है। की समस्या नहीं है, जो ESD सॉफ्टवेयर पे हमने कुल 13,973 जो अधिकारी और कर्मचारियों हैं इनकी फीडिंग कराई जा चुकी, जो कि पर्याप्त संख्या में है, और पोलिंग पार्टियों होते हेतु हमें कुल 1836 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतगणना हेतु कुल 504 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस जनपद में EVM का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदान हेतु जो है वो मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हमने उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग आदि करा ली है। आचार संहिता लागू होते मानी पूरे जनपद में होर्डिंग, पोस्टर व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं हटा दी गई हैं तथा प्रतिदिन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन जो है उसको किया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहलवानों के धरने को लेकर कहा कि बेटियां हमारे देश का गौरव है। बेटियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जीत का डंका बजाया है। देश में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और वहां पर किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है, इसलिए अब धरना पर फोटो खिंचाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। नहीं, मेरा है कि जो इतने पहलवान धरने पर बैठे हैं वो हमारे देश की शान है, हमारे प्रदेश की शान है। बेटियों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है और बेटियां गोल्ड मेडल जीता है और बेटियों को भरोसा है, दूध का दूध और दूध पानी का अलग होगा, न्याय मिलेगा। बेटियों के साथ जो न्याय होना चाहिए, अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो इंक्वायरी होंगी। जहाँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, आप अन्याय की बात ना कि न्याय मिलेगा आपको। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता लगातार समर्थन दे रहे हैं आपकी तरफ से, अभी कोई नहीं। मेरा ये विपक्ष के लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, वो पहलवानों के सारे फोटो खिंचवा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तो कोई खिंचवाता नहीं, बुलाता है, नहीं, नहीं कोई। पहलवानों के धरने बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। बेटियाँ हमारी हैं, बच्चे प्रदेश के हैं, देश के हैं। न्याय मिलेगा आप आश्वस्त करते हैं? उनको बहुत न्याय मिलेगा, भरोसा रखे, विश्वास। वहीं लखनऊ में चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है, खुलेआम चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस द्वारा चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने नकदी समेत लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। जैसा कि आप सभी अवगत है, थाना सुशांत गोल्ड सिटी में, थाना क्षेत्र में 3/4 अप्रैल की रात्रि को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा ATM को काट कर उसमें रखे कैश पैसे जो है वो चोरी कर लिए गए थे। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कई टीमों को इसमें लगाया गया था, जिसके द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 4 अभियुक्तों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से 9 लाख रुपए तथा घटना में प्रयुक्त 4 पहिया बलिनो गाड़ी और 1 दुपहिया गाड़ी ऑलरेडी बरामद की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इसमें अन्य टीमें अभी लगाई गई हैं, जिनके द्वारा लगातार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक इसमें वांछित अभियुक्त था इस घटनाक्रम में, विजय पांडे और सर्वेश, उसको थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ये ATM से चुराए गए कुल 2 लाख रुपए नगद पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ का निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद से आज तक बोर्ड की वार्षिक आय में 4 गुना वृद्धि आई है। प्रत्येक माह कार्यालय बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करना और कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। वक्फ प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई और बोर्ड में प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण और शिकायतों के संबंध में जिला प्रशासन से पत्राचार किया जाता है और पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया गया है। इसको बर्खास्त कर चुके हैं और उनकी जगह पे नई कमेटी जो है बनाई जा चुकी है।
इसके अलावा सबसे पहले जो हमारे पास बड़े औकाफों की जो है शिकायतें आई थी, जो 1 लाख से ऊपर के औकाफ है सालाना आमदनी के, जिसमें जिनके उसमें ऑलमोस्ट करीब जो है हमारे पास 40-45 बड़े औकाफ हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी के, जिसमें से जांच के बाद जवाब तलबी के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए करीब जो है सिर्फ इन 45 औकाफ में से हम 28 जो है औकाफ के मुतवली और कमेटीज़ को बर्खास्त कर चुके हैं और उनकी जगह पे नई कमेटी जो है बनाई जा चुकी है। इसके अलावा जो और शिकायतें आती हैं उसमें करीब जो है काफ़ी सैकड़ों की तादाद में प्रकरण हैं कि जिसमें मुतवलियों के विरुद्ध जो है शिकायत पाए जाने पर उनको बदल दिया। सबसे पहले जो हमारे वहीं लखनऊ में अजीज नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 दिन पहले एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल के लिए CHC में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने युवक को हालत को सीरियस देखते ही उसकी इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया। इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की थी। वहीं प्रयागराज में एक युवती की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची भारी जनसंख्या में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं करनौत सांसद सुब्रत पाठक ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में जनसभा की। बता दें कि सुब्रत पाठक ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। जनसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। विपक्ष पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरह से पिटाई करना, अपमानित करना, जानबूझ करके ऐसा काम करना, पोलिंग को प्रभावित करना, तो ऐसी घटना इन्होंने किया है। इनके विरुद्ध तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। ये जिलाधिकारी भी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इनसे मांग की अब तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई अब क्या करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन हम लोग ये मांग करने आए हैं कि ऐसे अधिकारी जो विवादित हो, जो को बता दें सपा के प्रतिनिधिमंडल से DM मिले हैं और चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां CO को बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। जहां पर थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है, सपा के प्रतिनिधिमंडल से DM मिले हैं और CAO को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ थप्पड़ मारने के मामले को लेकर ये मांग की गई है। सपा के प्रतिनिधिमंडल से जो DM है वो मिले हैं। आपको बता दें CAO को बाहर किए जाने के लिए मांग की जा रही है।
तो अब तक इस पर कोई क्या कार्रवाई होगी, अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।